हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में मैं आपसे यूकेजी क्लास के लिए वीक सेकंड की डे 3 एंड डे 4 की वर्कशीट्स शेयर करूंगी। दिस इज़ द सिनॉप्सिस फॉर वीक सेकंड। इसी सिनॉप्सिस के बेस पे हम पूरे सेकंड वीक के लिए वर्कशीट्स करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं EVS इंग्लिश मैथ्स एंड हिंदी के लिए सिनॉप्सिस है। इन्हीं सिनॉप्सिस के बेस पे हम पूरे वीक वर्कशीट्स करेंगे। दीज आर द वर्कशीट्स फॉर वीक सेकेंड। सबसे पहले हम देखेंगे EVS के लिए। फर्स्ट है हमारा रीड एंड राइट द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनको रीड करना है, राइट करना है। हम यहाँ पे देखो, ये आप लिखा हुआ है आइज एंड साथ में लिखा हुआ सी। सेंस ऑर्गन्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वर्कशीट्स में कर चुके हैं, तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन लिखा हुआ है, साथ साथ उस सेंस ऑर्गन का क्या सेंस है। तो आइज से हम क्या करते हैं, देखते हैं, सी, तो यहाँ पे लिखा हुआ सी। इसी तरीके से ईयर्स एक सेंस ऑर्गन है, और उस सेंस ऑर्गन का क्या सेंस है, हियर, सुनना, तो यहाँ पे लिखा हुआ ईयर्स हियर। तो बच्चे को एज इट इज आइज सी ईयर्स हियर्स यहाँ पे रीड करना है और राइट करना है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वर्ड्स। फाइंड द वर्ड्स में क्या करना है, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हमने करवाए हैं, लाइक 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, तो बच्चे को इस एक्टिविटी में, ये हम कह सकते हैं वर्ड सर्च एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर वो सारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हमने किए हैं बच्चे को फाइंड आउट करने हैं। अगर बच्चे को सेंस ऑर्गन्स अच्छे से आते हैं तो वो ईजिली फाइंड आउट कर सकता है। अगर नहीं आते तो आप इस तरीके से सेंस ऑर्गन्स बच्चे को लिख के भी दे सकते हैं, और इन्हीं के बेस पे बच्चा जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। लाइक ये आई है तो इसमें आई कहाँ है, दिस इज़ आई। ये ईयर है तो इसमें ईयर को बच्चे को फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से सारे सेंस ऑर्गन्स बच्चे को फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे अगेन मैंने नीचे पूर्वांश के स्पेलिंग को ट्रेस करने के लिए दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश के लिए। फर्स्ट है हमारा राइट राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक किन, डिक, फिब, नेक्स, हिप। ये सारे आई साउंड वर्ड्स हैं और उनसे रिलेटेड ही हमें राइमिंग वर्ड्स करने हैं। लाइक यहाँ किन है तो पिन, बिन, टिन, डिक है तो पिग, फिग, विग। इस तरीके से बच्चे से राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट है हमारा मैच द करेक्ट वर्ड्स। मैच द करेक्ट वर्ड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को सिंपली एक पिक्चर बनाई हुई है मैंने यहाँ पे, और साथ साथ कुछ नीचे सेंटेंस कह सकते हो या वर्ड्स कह सकते हो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है वो किसके, टिन की है, और टिन के ऊपर एक निब है। तो यहाँ पे बच्चों को सिंपली क्या करना है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं उनको रीड करना है फर्स्ट। तो जैसे हम पहले सेंटेंस को देखें, अ बिग पिट, तो इसमें बच्चों को देखना है कि बिग पिट कहाँ है, तो दिस इज द पिट। तो यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को इस कि डॉट को, अब बिग पिट को मैच करना है इस पिट से। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा अ निब ऑन अ टिन। यहाँ पे देखने की निब ऑन अ टिन कौन किस पिक्चर में है, तो यहाँ पे ये टिन है और इसके ऊपर ये निब है, तो ये मैच हो जाएगा इससे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो हमारा है अ विग इन अ बिन। यहाँ पे देखना है विग जो है वो बिन के अंदर कहाँ है, तो इस पिक्चर में विग जो है ये बिन के अंदर है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। इस टाइप की वर्कशीट भी आप बच्चों से करवा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वर्कशीट होती है, इससे बच्चे की रीडिंग स्किल्स भी वो इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस था तो यहाँ पे बच्चे को ट्रेसिंग के लिए दे दिया है। ट्रेसिंग की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली बच्चे से करवानी है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ्स के लिए। मैथ्स में है फर्स्ट हमारा फॉलो द पैटर्न। यहाँ पे पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पैटर्न है वो क्या है, पिंक, ऑरेंज, रेड, ब्लू। अगेन पिंक, ऑरेंज, रेड एंड ब्लू। तो ये जो है बच्चे को पूरा का पूरा पैटर्न एज इट इज़ फॉलो करना है। इसी तरीके से जैसे रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा ब्लू येलो, ब्लू येलो, ब्लू येलो। तो ये सेम पैटर्न बच्चे को फॉलो करना है। इसी तरीके से हम नंबर की फॉर्म में देखें तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ABC की फॉर्म में A B A B A B A B। तो ये जो पैटर्न होता है वो बच्चे को फॉलो करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई भी नंबर लिखे हैं और उनके बीच में जो नंबर मिस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करने हैं बच्चे को। लाइक 44 से मैंने स्टार्ट किया है, 44, देन 2 ब्लैंक स्पेस रखे हैं, 47 48, तो बच्चे को ये वाला जो है वो फिल करना है। तो यहाँ पे इसी तरीके से 27 से किया है मैंने, 11 के लिए 8 से स्टार्ट किया, फिर 35 से। इस तरीके से रैंडमली कोई भी नंबर लेके आप भी बच्चे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी के लिए। हिंदी के लिए फर्स्ट हमारा शब्द का मिलान करें। यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को सिंपली दोनों साइड में यहाँ पे सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं बट
बच्चे को क्या करना है, पहले वर्ड को रीड करना है। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है भगवत, तो यहाँ पे दूसरी साइड में बच्चे को फाइंड आउट करना है कि भगवत इसमें कहाँ लिखा हुआ है। तो ये भगवत है, तो यहाँ इससे इसको मैच करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा शबनम, तो अगेन इस साइड में हमें देखना है कि शबनम कहाँ लिखा हुआ है। शबनम जहाँ भी लिखा होगा, जैसे लाइक यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको इससे मैच करना है। इसी तरीके से सेम टाइप के वर्ड्स को आपस में यहाँ पर मैच करना है। नेक्स्ट है हमारा अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाएं। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है और कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं पिक्चर से रिलेटेड। लाइक ये कमल का है तो क म ल, तो क म ल तीनों यहाँ पे जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, वो लिखे हुए हैं। बस बच्चे को यहाँ पे इस पिक्चर को रिकग्नाइज करके और इन वर्णों की सहायता से इसका शब्द लिखना है, इसका नाम लिखना है पिक्चर का। तो यहाँ पे जैसे ये क्या है, कमल। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पिक्चर है वो किसकी है, बतख की है। तो देखो बतख, तो यहाँ पे बच्चे को अगेन पिक्चर को रिकग्नाइज करना है और इन वर्णों की हेल्प से यहाँ पे इसका शब्द लिखना है, इसका नाम लिखना है। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से करना है हमें। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारी अकेडमिक्स की हो गई वर्कशीट्स। आप कुछ इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स, कुछ ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट्स, कुछ लॉजिकल वर्कशीट्स या कलरिंग की वर्कशीट्स जो मैं गुरु से हमेशा करवाती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है इसमें कलर द फ्रूट्स डैट वी ईट आफ्टर पीलिंग। यहाँ पे क्या करना है, उन फ्रूट्स को कलर करना है जिसको हम पील करने के बाद खाते हैं। लाइक जैसे बनाना पील करके खाते हैं, मैंगो पील करके खाते हैं, ये पोमोग्रेनेट है पील करके खाते हैं, तो उन्हीं कलर उन्हीं फ्रूट्स को कलर करना था जिनको हम पील करके खाते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लॉजिकल वर्कशीट दी है। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। लाइक इसमें ये पूरा ब्लैंक है, इसमें मैंने दो पार्टीशन कर दिया है, इसने डायगनली इसको पार्टीशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है, सेम पैटर्न यहाँ पे बनाए हुए हैं, बच्चे को सेम पैटर्न को आपस में मैच करना है। नेक्स्ट हम करेंगे डे फोर के लिए वर्कशीट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईवीएस के लिए। फर्स्ट है हमारा सेंस ऑर्गन्स एंड देयर सेंसेस। ये पहले भी हम कर चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं वापस से। सेंस ऑर्गन यानी कि आई जो है हमारा, वो सेंस ऑर्गन है एक, और उसका सेंस क्या है, सी। इसी तरीके से ईयर जो है वो सेंस ऑर्गन है और उसका सेंस क्या, हीयर। तो इसी के सेम हमें प्रैक्टिस करनी है, रीड एंड राइट करना है इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट द स्पेलिंग्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे हमें अब बॉडी पार्ट्स के स्पेलिंग्स करनी है। हम ऑलरेडी सेंस ऑर्गन्स के स्पेलिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हम करेंगे बॉडी पार्ट्स के स्पेलिंग। तो हमने फर्स्ट लिया है इसके अंदर लैग। लैग ऑलरेडी सी वी सी वर्ड जो हम करते हैं, तो लैग बच्चे की स्पेलिंग वहाँ हो जाती है। इसी तरीके से हैंड, हैंड की स्पेलिंग जो है वो भी सी वी सी वर्ड्स करते हैं तब हो जाती है। इसलिए मैंने एक दिन में दोनों की प्रैक्टिस करवा दी थी, क्योंकि ये दोनों ही स्पेलिंग जो है ऑलरेडी सी वी सी वर्ड्स की प्रैक्टिस के टाइम पर हो गई थी। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने के लिए अगेन मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया है। स्पेलिंग्स की हम प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हैं, स्पेलिंग हम लर्न कैसे करवा सकते हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी। इनकेस आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से या आई बटन से लिंक चेक कर सकते हैं। रीड एंड राइट द सेंटेंस। यहाँ पे मैंने सिंपली एक सेंटेंस लिखा, अ पेन इज़ इन द बिन। ये पुरु की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने करवाया, एक सेंटेंस है जिसको एज इट इज़ पुरु को कॉपी करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट है मेरा डॉट टू डॉट। डॉट टू डॉट में क्या करना है, इस तरीके से मैंने पुरु को एक पिक्चर दी है जिसमें कुछ डॉट्स लगा के दिए हैं और इन डॉट्स को ज्वाइन करके पुरु को ये पिक्चर बनानी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 60 तक के मैंने डॉट्स दिए हैं, ताकि जो काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर कवर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप, बच्चे इस वाली जो एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट भी लेता है, बिकॉज यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ डॉट्स को ज्वाइन करना है अकॉर्डिंग टू काउंटिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो डॉट्स को ज्वाइन करना है और एक पिक्चर बनेगी और उसके अंदर कलर करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंगो की पिक्चर बनी है डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद। तो आप इस टाइप की वर्कशीट भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन नीचे कुछ ब्लैंक स्पेस था तो मैंने यहाँ पे पुरु को ट्रेसिंग करने के लिए दिया है। मैथ्स में हम नेक्स्ट देखेंगे टेक द बिग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द स्मॉल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बिग और स्मॉल के कॉन्सेप्ट के लिए ये वर्कशीट बनाई गई है। बिग जो पिक्चर है उसको हमें टिक करना है, जो स्मॉल पिक्चर है उसको हमें क्रॉस करना है। तो इन दोनों में से हम देखें तो ये बिग है, ये स्मॉल है, तो इसको टिक किया गया है और इसको क्रॉस किया गया है। इसी तरीके से इन दोनों पिक्चर में दिस बॉल इज़ बिग, तो इसको टिक कर दिया, एंड दिस बॉल इज़ स्मॉल, इसलिए इसको क्रॉस किया है। इसी तरीके से यहाँ हम देखें तो ये फ्रॉग इज़ बिग एंड बग इज़ स्मॉल, तो यहाँ पे इसको टिक और इसको क्रॉस कर दिया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी के लिए, हिंदी के लिए क्या करना है, सिंपली फर्स्ट है मेरा तीन और चार अक्षर के शब्द लिखे। यहाँ पे बच्चे से मैंने तीन अक्षर के शब्द और चार अक्षर के शब्द लिखवाए हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ फाइव फाइव वर्ड्स ही लिखने के लिए बोले थे, तो यहाँ पे तीन अक्षर के शब्द लिखे हैं, यहाँ पे चार अक्षर के शब्द लिखे हैं। नेक्स्ट है चित्र देखकर शब्द लिखिए, यहाँ पे मैंने चार अक्षर के शब्दों की प्रैक्टिस के लिए करवाया है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई गई है और उन पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके उनसे रिलेटेड वर्ड यहाँ लिखना है। जैसे ये पिक्चर है शलगम की, तो शलगम लिखा है, अदरक, थर्मस, ये कटल है, ये अजगर है, खटमल एंड बरगद, इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट है राइट एल फॉर लिविंग एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे लिविंग थिंग्स के लिए हमें क्या करना है, एल लिखना है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एन लिखना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये वर्कशीट दी थी गुरु को। लाइक फर्स्ट पिक्चर जो है वो बैल की है, बैल नॉन लिविंग थिंग है इसलिए यहाँ पे एन लिख दिया है। ट्री लिविंग थिंग है इसलिए एल, बैट नॉन लिविंग एन, किड लिविंग थिंग एल, बॉक्स नॉन लिविंग थिंग एन एंड फिश इज लिविंग थिंग, इसलिए एल आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, टिक द ऑड वन आउट इन ईच रो। यहाँ पे क्या करना है, हर एक रो में ऑड वन जो है उसको टिक करना है। लाइक फर्स्ट पिक्चर टोमेटो, कैरेट, मैंगो एंड पीस। तो यहाँ पे ये सब तो वेजिटेबल है और मैंगो एक फ्रूट है, इसलिए फ्रूट यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए इसको टिक कर दिया है। नेक्स्ट की हम बात करें, ये डॉल्फिन है, ये ऑक्टोपस है, ये पीजन है। तो डॉल्फिन और ऑक्टोपस जो है वो वाटर एनिमल है और पीजन जो है वो एक बर्ड है, तो पीजन जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए इसको टिक किया है। ये थी वीक सेकेंड के लिए डे थ्री एंड डे फोर की वर्कशीट्स। इन केस आप वीक फर्स्ट के लिए वर्कशीट देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। If this video is helpful for you, then click on the like button and subscribe my channel. Thank you so much.